नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। पेप्टिक टाइम पर इस वक्त एक अच्छी खबर देखेंगे। छतरपुर में एक परिवार ने नेत्रदान के अपने पिता के सपने को पूरा किया है और इस परिवार को सम्मानित किया गया है। नेत्रदान मानवता की सेवा के लिए एक सबसे बड़ा उपकार है और इस नेत्रदान के लिए पूरे परिवार को समाज के लोगों ने सम्मानित किया है। छतरपुर शहर के रहने वाले प्रसिद्ध व्यापारी परिवार राठ वाले के नाम से जाने जाने वाले अग्रवाल परिवार के पिता स्वर्गीय प्रेम नारायण अग्रवाल ने मरणोपरांत अपनी आंखों का दान किया था। 16 अगस्त को उनका निधन हुआ था और उनके निधन के बाद सतना अमर ज्योति चिकित्सालय से आई टीम ने उनकी आंखें संरक्षित की और उसके बाद इन्हें दो लोगों को प्रत्यारोपित किया। हमारे सतना में एक रिश्तेदार रहते, उनका नेत्रदान देखा था हमने, तो उसी से हमको जागरूकता आई कि नेत्रदान बहुत अच्छी चीज़ है, करना चाहिए। हमारे पिताजी का नेत्रदान हुआ, उनका प्रत्यारोपण भी हो गया, दो लोग आज पूरी दुनिया देख रहे हैं उनके उनकी आँखों से। सुकून मिल रहा सब पूरे परिवार को, सुकून मिल रहा। हमने सब परिवार वालों से पूछा, वो तैयार भी होगा। फटाफट हमने सतना फ़ोन किया, वो डॉक्टर साहब आ गए 6 घंटे के अंदर, उन्होंने नेत्र के वो ले गए चेक किया। हमें बहुत अच्छा महसूस हुआ और हमेशा इन लोग आप लोगों के करूँ भी चाहिए जो कि आगे चल के आदमी और आगे आए जी। और अब प्रेम नारायण अग्रवाल की आंखों से दो जीवित लोग इस दुनिया को देख पा रहे हैं। नेत्रदान की इस पहल को सामाजिक रूप से सम्मानित करने के लिए हनुमान टोरिया सेवा समिति ने नेत्र शिविर के दौरान इस परिवार को सम्मानित किया। नगर में एक बहुत ही ऐतिहासिक काम हुआ है जो नेत्र से रिलेटेड है और हम बताना चाहते हैं कि प्रेम नारायण अग्रवाल जी के निधन के बाद उनके नेत्र दान किए गए हैं और नेत्र दान के बाद दो लोगों को रोशनी मिली है और ये अच्छा पुनीत काम हुआ है। तो इस पुनीत काम के लिए उनके परिजन मनोहर लाल अग्रवाल और अनिल अग्रवाल और उनके और भी दो भाइयों को यहाँ हनुमान टोरिया सेवा समिति ने सम्मानित करके गौरवान्वित महसूस किया है और ये उन्हें संदेश भी दिया है, मैसेज भी दिया है कि सभी को नेत्रदान करना चाहिए जिससे कि जो नेत्रहीन लोग हैं उनको रोशनी मिल सके। इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होता अगली खबर के साथ। नमस्कार। हाँ माँ, कोमल कैसी है? बोर हो रही है बेचारी। अच्छा, तुझे याद है ना तेरे पिताजी का रिटायरमेंट है तो तू आ रहा है ना? नहीं माँ, आज एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है। लेकिन बेटा। नहीं नहीं, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, मैं नहीं आ पाऊँ। बेटा शाम को चलते हैं घूमने। दादू के ऑफिस का आखिरी दिन। माथुर जी, अब तो आराम से कटेगी जिंदगी। हाँ क्यों नहीं, माथुर साहब का एक ही तो बेटा है। वो मेरे साथ नहीं रहता, पोती जरूर आई है लेकिन दो एक दिन बाद वो भी चली जाएगी। शाम को घूमने चलेंगे बेटा। बाबूजी पहुंच गए। दादू, आपका ही नाम है। बंधन बंधा है ये एक ऐसी डोरी से, टूटेगा ना छूटेगा किसी भी दूरी से। ऐसा रिश्ता है हमारा ये।
ये वादा है हमारा, ऐसा रिश्ता है हमारा, ये वादा।